अच्छा हुआ कि आज ये नृत्य योगी चुने गए और आज मजा राहुल कॉर्ड वाला माइक देख हेलो हेलो हाँ आप सुन सकते हैं नहीं नहीं आप सुन सकते हैं आप जैसे मैंने कह रहा था कि भाई आदित्य योगी जो आज कल चुने गए रात ये कि ये हम सम्मेलन कर रहे हैं उनका और मेरा मीलों का फर्क है। वो इलेक्शन से आए हैं तो इसका तो मैं आदर करता हूँ क्योंकि इलेक्शन अब जो लोग चुने वो मंजूर है, मतलब तो ये एक जनता का एक असूल है। लेकिन ये कि जनता कभी कभी बिखर जाती है, कोई उधर उधर हो जाती है, तो फर्ज बनता है जो लोग इन बातों में यकीन रखते हैं कि भाई ये देश सबका है वो बता दें कि भाई आपने गलत बात की है। अब उनका नाम बहुत देर से एक अजीब सी या एक मेरे हिसाब से गलत से एक आइडियोलॉजी ख्याल से जुड़ा हुआ है। और न सिर्फ ये कि वो मंदिर के हाथ में है, कई लोग मंदिर के हाथ में उसमें कोई बजे, लेकिन ये कि वो एक जात के लोगों के खिलाफ है और खुल्लम खुल्ला कहते हैं, एक नहीं कि वो एक से तो वो खुल्लम कहते हैं कि भाई ये यहाँ से मुसलमान या मुसलमानों को ये हो जब मैं मुझे याद है कि मैं कुछ देर पहले ये जामिया मस्जिद या जामिया में गया था तो वहाँ वहाँ वाले दोस्त रहते हैं मुसलमान, तो उसने कहा मेयर साहब अब एक तो बात है कि आपको जानने के बाद हमें कोई मारेगा नहीं। बहुत अजीब सा लगा कि भाई जानने के बाद, वो कहते हैं हाँ हमको माल और जान का बहुत खतरा है, हमें ये वोट वोट नहीं चाहिए, हम तो माल जान खतरा है, तो इसलिए ये जो उनमें भेद या धर है ये तो हिंदुओं को उल्टाना चाहिए, मुसलमान तो नहीं मिटा सकते, ये तो हिंदुओं को चाहिए कि एक ऐसा वातावरण करें जिसमें कि मुसलमान भी ऐसा ही फील करे कि भाई है, क्योंकि हम जो हैं 80% हिंदू जरूर हैं, लेकिन हमने एक फैसला किया था कि आईन या कॉन्स्टिट्यूशन या दस्तूर से राज होगा, और उस आईन का दस्तूर में लिखा हुआ है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक वोट और एक आदमी, तो इसलिए जो 80% हैं या दूसरे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ एक होता है। तो आदित्य योगी अब उससे आए हैं तो मैंने कहा कि भाई मैं आदर करता हूँ जो भी लोगों ने चुना, लेकिन जब हम मैं पहले तकसीम की या बंटवारे की बात कर रहा हूँ तो मैं लाहौर में लॉ कॉलेज में पढ़ता था, ये 46 का जिक्र है, एक साल पहले तकसीम से बंटवारे से, तो हमारे कॉलेज में मोहम्मद अली जिन्ना तो एक बड़बड़ थी कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना आ रहे हैं देखे सुने, तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम हिंदू और मुसलमान दो कौमी हैं
इसलिए हमको अलग अलग हो रहा था। ये बहुत अजीब लगा क्योंकि मैं सियालकोट शहर से हूँ जहाँ मेरे सारे दोस्त मुसलमान थे, मुश्ताक, बशीर, सब शफकत। तो बहुत अजीब सा लगा कि भाई कैसे हम तो लोग सब कटे, खाना पीना सब कुछ होता है, लेकिन ये एक अजीब सी उन्होंने बात की। खैर उसके पास उसी कॉलेज में हम पढ़ रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद आए, वो बहुत बड़े लीडर थे। तो उन्होंने कहा, जो कि आज बहुत एक प्रोफेटिक है बात दूर की, उन्होंने कहा कि भाई देखो मुसलमानों, ये लाहौर की बात है और मुस्लिम लीग का वहाँ गढ़ था। कहा मुसलमानों के मुझे पता है कि तुम लोग इस वक्त पाकिस्तान की बात कर रहे हो, मैं आपको बताऊं कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हूँ। मुसलमान हूँ लेकिन खिलाफ हूँ। आज तकसीम से पहले, बंटवारे से पहले, अब मुसलमान बहुत शुमाल से जनूब, मशरक से मगरब तक जा सकता है और कह सकता है कि देखिए मैं छोटी तादाद का ज़रूर हूँ लेकिन मेरा हिंदुस्तान में उतना ही हक है जितने बड़ी जात के वाले, क्योंकि हम सब लड़े तो इसमें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज जो आपको बताता हूँ कि अगर इस हिंदुस्तान में तुम अपने आप को महफूज नहीं समझते, सेफ नहीं समझते, तो अगला जो हिंदुस्तान बंटवारे के बाद आएगा तो हिंदू कहेगा कि आपने तो हिस्सा ले लिया, जाओ। तो यही हुआ, मुसलमानों ने, जो हिंदुओं ने कहना शुरू किया। ये तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की एक बात थी। और दूसरा, वैसे भी हम सब, मैं तो उस वक्त स्टूडेंट था, मुझे भी याद है कि सब लोग हम, बस उस वक्त यही था कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, तो अंग्रेज को निकालो। अब ये बात में शुरू हो गया और यहाँ तक शुरू हो गया कि प्लेटफॉर्म पे दो उसके पानी के रखे जाते थे घड़े, एक मुसलमान लिखा हुआ था और एक हिंदू लिखा हुआ था। तो बात तो एक ही थी, पानी जो मर्जी पर। न सिर्फ ये, बल्कि जब हम कॉलेज में बैठते थे खाने को, तो एक हिंदू किचन और एक मुसलमान किचन, हम स्टूडेंट तो सब्जी हिंदू से मंगा लेते थे, गोश्त उससे मंगाते, इकट्ठे खाते थे। लेकिन ये बात 46 तक रही। उसके बाद अब किसी ने पूछा मुझे कि भाई तुम क्या, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा मैं यहीं रहूंगा जैसे वहां मुसलमान रहेंगे, जहां हिंदू भी रहेंगे। तो वो आदमी बहुत मुस्लिम लीग का खास आदमी था, उसने कहा नैयर साहब, हम किसी नॉन मुस्लिम को यहाँ नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपने मशरकी पाक पंजाब से सबको निकाल दिया मुसलमानों को, तो हम भी यहाँ से निकाल देंगे। तो वही हुआ। अब सियालकोट शहर से मैं चला और सियालकोट लाहौर तक पहुँचा। ये मैं समझता हूँ कि कोई मेरे पे हमला वमला नहीं हुआ। तो मैंने कई लाशें देखी, सामान बिखरा देखा, और जब बॉर्डर पे पहुंचा तो एक कारवान उधर जा रहा था, ये मुसलमानों का था, ये नॉन मुस्लिम हिंदू सिख का था, हम हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे। तो वो एक छोटी सी जगह थी जो उसे नो मैन लैंड कह सकते हो आप। तो उसमें वो भी खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, हम भी खड़े हो गए, एक दूसरे को देखते रहे, कोई बोले नहीं। लेकिन एक अजीब सा रिश्ता था हमारा, दर्द का, शरणार्थी का, महाजर का, जो भी आप कहिए, रेफ्यूजी का। तो एक वो फिर उधर चले गए, हम इधर चले गए। लेकिन उस आने जाने में हमने एक दूसरे के 10 लाख आदमी मारे, 10 लाख हिंदू, मुसलमान, सिख उसमें मारे गए। उस किसका कसूर था, कौन थे वो लोग, ये कहना। अब ये एक मौका आ गया है, अब हिस्ट्री 70 साल पहले, ये सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ। जब हम सब इकट्ठे थे और जैसे मैंने आपको कहा कोई फर्क नहीं था, मैं सियालकोट शहर, मेरे दोस्त शफकत वगैरह सब थे, और जब मैंने छोड़ा भी बॉर्डर से,
तो यही था कभी बॉर्डर अब साफ रहेगा, आना जाना रहेगा, लेकिन नहीं हुआ। उसी वजह से मैं अभी तक शुरू किया हुआ है, अब 30-40 साल हो गए, 50 साल के मोमबत्ती जलाता हूँ वहाँ पे बॉर्डर पे। लोग कहते हैं मोमबत्ती उमर है, भाई मोमबत्ती हम ये मतलब ये है कि भाई हमारा मकसद अमन का है। वो भी अब तो 14-15 अगस्त की रात को लाखों, 1 लाख से ज्यादा तो इधर आदमी इकट्ठा होता है, 1 लाख से तकरीबन वो भी होता है, और एक दूसरे के हम जब जाते हैं 14-15 अगस्त तो एक दूसरे के गाने गाते हैं इकट्ठे, वो एक्सचेंज करते हैं मोमबत्तियाँ, उधर दी थी हमने दी। लेकिन ये कि ख्याल था कि बॉर्डर एक सॉफ्ट जहाँ आना जाना रहेगा, अब नहीं है। अब तो वहाँ बड़े बड़े लग गए हैं, फाटक लग गए उसके लोहे के। तो हम कैसे अब करें कि अब पाकिस्तान एक फैक्ट है, आप तो उसको नाम कुछ बता सकते, लेकिन कैसे करें कि हम आपस में मिलना जुलना तो रहें। वो भी इसी किस्म के आदमी हैं जैसे हम किस्म के हैं, जहाँ जब मुसलमान रहते हैं वहाँ कम हिंदुस्तानी, या मतलब कम रहते हैं हिंदू और सिख, लेकिन यहाँ बहुत रहते हैं। तो इसलिए ये जो हमारे में सोचना चाहिए, मैंने जहाँ से कहा कि अब 70 साल हो गए इस बात को, कि ये क्यों हुआ, अब ये भी सोचना चाहिए। और दूसरा कैसा करें कि ये जो बॉर्डर है बस ना जाना रहे, कोई कोई में भी कोई राशन कार्ड दिखा दे या कोई ड्राइविंग लाइसेंस। ये पहले शुरू में था, 65 तक रहा।